Hello students, today we will start with the peritoneum. Now in this today's lecture, we are going to discuss about the features of peritoneum. Then we will see very commonly used term, that is intraperitoneal and retroperitoneal organs. Okay? Then I will tell you about the peritoneal ligaments and we will discuss the functions of peritoneum. So let's start with the introduction of peritoneum. Ki peritoneum hota kya hai? Dekhe, peritoneum is a serous membrane. Aap jab bhi body ke andar cavities dekhte hain, hum teen tarike ki serous membrane padhte hain. Ek hai pleura, dusri hai pericardium, and the third one is which we are reading today is peritoneum. Theek hai? To ye serous membranes hoti hain and they form a sac is known as serous sac. Now you know that whenever you are having the pleura or pericardium or peritoneum, all the serous membranes divided into the two part, parietal and visceral layer. The mesothelium. Now this mesothelium, what is mesothelium? Mesothelium is nothing but it is the simple squamous epithelium which lines the inner side of your peritoneum. ठीक है? तो ये जो मेसोथेलियम है इसका फंक्शन क्या है कि इट सिक्रीट्स द फ्लूइड एंड ये जो फ्लूइड होता है इट ल्यूब्रिकेट द सरफेस ऑफ ऑर्गन्स एंड अलाउ द फ्री मूवमेंट्स ऑफ विसरा. ये जो फंक्शन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर हम इस फ्लूइड को हटा दें तो पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम आपस में चिपक जाएंगी एंड दिस फ्री मूवमेंट समवेयर इट इज कॉम्प्रोमाइज्ड. ठीक है? सो ये तो बात हो गई बेसिक्स की पेरिटोनियम होती क्या है. नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट ये आपका डायफ्राम है. इस डायफ्राम के नीचे से लेके एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर और पोस्टीरियर वॉल के आगे आपको एक लेयर मिल रही है दैट इज योर पेरिटोनियम एंड ये पेरिटोनियम किसमें नीचे जा रही है इट इज ऑल्सो गोइंग इन टू द पेल्विस. ठीक है? सो वेन यू विल सी द पेरिटोनियम this peritoneum is forming a closed sac और ये जो closed sac है ये closed sac कहां से कहां तक है? ऊपर diaphragm की inferior surface से लेके floor of pelvic wall तक है. पीछे posterior wall है आगे anterior wall है. ठीक है? So it is a closed cavity. What are the features of parietal peritoneum? देखिए काफी कुछ features parietal and visceral peritoneum के वैसे ही हैं जैसे कि pleura या विसरल एंड पैराइटल पेरिकार्डियम के होते हैं. क्या क्या फीचर्स आप पढ़ते हो पैराइटल पेरिकार्डियम या पैराइटल प्लूरा के? कि ये जो पैराइटल स्ट्रक्चर्स होती हैं ये इनर साइड ऑफ बॉडी वॉल होती हैं. ठीक है? यानी यहां पे भी अगर आप देखोगे तो ये जो पैराइटल पेरिटोनियम है इट लाइंस द इनर सरफेस ऑफ एब्डोमिनल वॉल एंड पेल्विक वॉल. ठीक है? प्लस इंफीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम. यानी पैराइटल पेरिटोनियम का ऑर्गन से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है? जैसे कि आपने प्लूरा में पढ़ा कि अगर प्लूरा लंग्स को कवर कर रही है तो वो विसरल कहलाएगी, अगर वो चेस्ट वाल की इनर लाइनिंग बना रही है तो वो पैराइटल प्लूरा कहलाएगी. इसी तरह से जो पेरिटोनियम एब्डोमिनल वॉल की लाइनिंग बना रही है चाहे वो एंटीरियर हो या पोस्टीरियर हो लैटरल हो सुपीरियर हो इंफीरियर हो दैट होल पेरिटोनियम इज कॉल्ड एज पैराइटल पेरिटोनियम. दूसरी चीज क्या है कि जो आपकी पेरिटोनियल लेयर होती है ये पेरिटोनियल लेयर यू कैन इजीली स्ट्रिप. क्यों? बिकॉज पेरिटोनियम एंड जो वॉल ऑफ एब्डोमेन है उनके बीच में हमें फैटी टिश्यू मिलता है. ठीक है? जबकि हम अगर विसरा की बात करेंगे तो विसरा के बाहर आपकी जो विसरल लेयर होती है वो बहुत क्लोजली चिपकी हुई होती है. ठीक है? तो यहां पे एक चीज याद रखनी है कि ये जो आपकी पैराइटल पेरिटोनियम है इट कैन इजीली स्ट्रिप्ड ऑफ, हम इसको इजीली हटा सकते हैं फ्रॉम द इनर साइड ऑफ योर बॉडी वॉल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्री पेरिटोनियल फैट और अगर हम पीछे की बात करेंगे तो रेट्रो पेरिटोनियल फैट. एंट्री एब्डोमिनल वॉल और आपका पेरिटोनियम है उसके बीच में जो फैट है वो क्या कहलाया? प्री. लेकिन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल और पेरिटोनियम के बीच में जो फैट है वो क्या कहलाया? रिट्रो पेरिटोनियल फैट. ठीक है? नाउ व्हाट अबाउट द डेवलपमेंट? व्हेन यू विल सी द डेवलपमेंट ऑफ दिस पेराइटल पेरिटोनियम इट अगेन डेवलप्स फ्रॉम द सोमेटोप्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक
लैटरल प्लेट मीजोडर्म, ठीक है। सो आप जब लैटरल प्लेट मीजोडर्म पढ़ते हैं तो इस लैटरल प्लेट मीजोडर्म को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सोमेटोप्लूरिक एंड स्प्लैंकनोप्लूरिक। तो ये जो सोमेटोप्लूरिक मीजोडर्म है लैटरल प्लेट की, ये किसको बनाती है? पैराइटल प्लूरा को बनाती है, पैराइटल पेरिटोनियम को बनाती है, ठीक है। इसके वजह से इसकी जो नर्व सप्लाई है एंड ब्लड सप्लाई है वो डिसाइड होती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो सप्लाइड बाय द सेम एज द बॉडी वॉल, यानी एंट्री एब्डोमिनल वॉल की नर्व सप्लाई क्या है? एंट्री एब्डोमिनल वॉल की नर्व सप्लाई है T7, T8, T9, T10, T11, जो हमारी लोअर इंटरकॉस्टल नर्व्स है जिनको हम थोरेको एब्डोमिनल नर्व्स बोलते हैं, दे आर सप्लाइंग अवर एंट्री एब्डोमिनल वॉल बट दे आर ऑल्सो सप्लाइंग दिस पैराइटल पेरिटोनियम, ठीक है। एंड बिकॉज इट इज सप्लाइंग बाय द सोमेटिक नर्व्स, इट इज पेन सेंसिटिव। यानी अगर आप एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे कट लगा रहे हो तो क्या हम स्किन पे कट लगाते हैं तो पेन होता है? यस। सो इन द सेम वे अगर हम पेराइटल पेरिटोनियम पे कट लगाएंगे तो पेशेंट विल हैव ए सीवियर पेन, ठीक है। तो ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि इफ समबडी विल आस्क यू कि अगर हम पेराइटल पेरिटोनियम को कट करेंगे तो क्या पेन होगा या नहीं होगा, आंसर इज यस, क्लियर। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ विसरल पेरिटोनियम? देखिए, विसरल पेरिटोनियम इट लाइंस द आउटर सरफेस ऑफ द विसरा एंड इट इज फर्मली एडहेरेंट सो इट कैन नॉट बी स्ट्रिप्ड, इसको हम हटा नहीं सकते। इट डेवलप्स फ्रॉम स्प्लैंकनोप्लूरिक, ठीक है। ये किससे डेवलप हुई? स्प्लैंकनोप्लूरिक से, ठीक है। एंड इट इज इनसेंसिटिव टू द पेन, टैक्टाइल एंड थर्मल सेंसेशन। मतलब क्या हुआ कि अगर हम विसरल प्लूरा पे कट लगाएंगे तो पेशेंट को पेन नहीं होता। यानी इन ड्यूरिंग द सर्जरी इट इज वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन कि जब हम सर्जरी की बात कर रहे हैं, आपने लैप्रोटॉमी की, वेन यू आर ओपनिंग द एब्डोमिनल कैविटी, उसके बाद अगर मैं इंटेस्टाइन के ल्यूमन पे कट लगा रहा हूं, अगर मैं स्टमक के ऊपर कट लगा रहा हूं तो क्या वो पेनफुल होता है? आंसर इज नो, इट इज नॉट एट ऑल पेनफुल बिकॉज द विसराज एज वेल एज विसरल पेरिटोनियम आर नॉट सेंसिटिव फॉर द पेन प्रोड्यूस बाय कट। बट दिस क्वेश्चन इज बिकम इंपॉर्टेंट, द पेन इज ओनली पॉसिबल, इट इज सेंसिटिव फॉर द इस्चीमिक पेन। यानी अगर उस ऑर्गन की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाए एट दैट टाइम डेफिनेटली द पर्सन इज हैविंग द पेन और देर इज ए पेन ड्यू टू द ओवर डिस्टेंशन और स्ट्रेचिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर ट्राइंग टू डू द डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स, द डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स इज वेरी पेनफुल बिकॉज वी आर डूइंग द स्ट्रेचिंग एंड डिस्टेंशन, ठीक है। विच इज कैरीड बाय, अब ये जो सेंसेशन है ये किस कौन लेके जाता है? देखिए, स्किन की या पेराइटल पेरिटोनियम की सेंसेशन कौन लेके जा रहा है? दैट इज कैरीड बाय योर सोमेटिक नर्व, दैट इज स्पाइनल नर्व। बट जब विसराज होते हैं, विसराज से जो सेंसेशन है वो कौन लेके जाता है? विसरल अफरेंट्स। कौन लेके जाता है? विसरल अफरेंट्स। और ये विसरल अफरेंट्स किसके थ्रू एंटर होते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। एंड दीज अफरेंट्स आर रिलेटेड टू द विसरल रिफ्लेक्सेस, यानी जो विसरा है इट विल रिएक्ट अगेंस्ट दीज सेंसेशंस प्लस इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेफर्ड पेन। देखिए, रेफर्ड पेन की जब भी हम बात करते हैं, रेफर्ड पेन का मेन रीजन ये होता है कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जब भी हम इस डॉर्सल रूट की बात करते हैं, ये जो डॉर्सल रूट है स्पाइनल नर्व का, इस डॉर्सल रूट के अंदर इस कॉर्ड में दो तरीके की अगर नर्व्स आ रही हैं, कौन कौन सी दो नर्व आ रही हैं? एक वो नर्व है जो आपका सेंसेशन लेके आ रही है विसरा से, ये नर्व क्या लेके आ रही है? सेंसेशन विसरा से। और दूसरी नर्व वो है जो सेंसेशन लेके आ रही है स्किन से, ये किससे लेके आ रही है? स्किन से। बट अगर ये दोनों नर्व एक ही कॉर्ड के अंदर आ गई, इफ दे आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग और दे आर शेयरिंग द सेम कॉर्ड एट दैट टाइम वी हैव द रेफर्ड पेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपेंडिक्स से जो विसरल अफरेंट्स आ रहे हैं, दे आर एंटरिंग इन टू द T10 सेगमेंट, बट द स्किन अराउंड द अम्बिलिकस, उससे जो सोमेटिक नर्व्स सेंसेशन लेके आ रही है, इट विल ऑल्सो एंटर इन टू द T10 सेगमेंट। सो यहां पर उसकी अगर आप डॉर्सल रूट देख रहे हो तो वहां पर आपको दो फाइबर्स मिल रहे हैं, विसरल अफरेंट्स फ्रॉम अपेंडिक्स
and somatic afferents from umbilicus, and because they are actually present in a single same cord, that's why there is a referred pain. ठीक है, so जब भी आपसे referred pain पूछा जाए, this is the only answer that the reason of referred pain of viscerals is because of the visceral afferents which are carrying the sensations from the viscerals, and they are actually present in the same cord which is carrying the sensation from skin, or you can say somatic supply. Clear? Now in this diagram you can appreciate that this is your inner side lining. So what is that? This is your peritoneum which is covering the body wall, that's why it is known as parietal peritoneum. But this is known as visceral peritoneum because it is covering the organ. ठीक है, अब यहां पे जो एक बात है वो आपको समझनी है कि कई organs ऐसे हैं जिनके अराउंड जो visceral peritoneum है वो क्या किसका पार्ट बन जाती है, कैप्सूल का पार्ट बन जाती है ना. और ये organs कौन से हैं, ये organs हैं लीवर. जैसे आप लीवर को पढ़ोगे, when you will see the liver, लीवर के आउटर सरफेस पे जो विसरल पेरिटोनियम है उसको आप स्ट्रिप नहीं कर सकते, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ द कैप्सूल ऑफ लीवर. इसी तरह से व्हेन यू विल सी द स्प्लीन ऑन द, ठीक है, बट व्हेन यू विल सी द गट ट्यूब, फॉर एग्जांपल द पार्ट ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, वहां पे ये जो विसरल पेरिटोनियम है इट इज नोन एज सीरोजा. ठीक है, उस टाइम हम उसको क्या नाम देंगे, सीरोजा. सो ये सवाल आपसे कई बार पूछा जाता है कि सीरोजा क्या है. So serosa is nothing but serosa is only the outermost layer which is formed by visceral peritoneum. ठीक है, और ये peritoneum visceral peritoneum है, और इसके इधर outer surface पे किसकी lining होगी, mesothelium की lining होगी. ठीक है, now we'll move to the one term which is known as intraperitoneal and retroperitoneal. ठीक है, देखिए जब आप ये दो terms पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड सबसे बेसिक लाइन ही होनी चाहिए कि बॉडी में कोई भी ऑर्गन एक्चुअली पेरिटोनियल कैविटी के अंदर नहीं होता है. मतलब क्या हुआ, देखिए ये पेरिटोनियल कैविटी है, सपोज ये पेरिटोनियल कैविटी है. ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं इंट्रा पेरिटोनियल, यानी ऑर्गन इसके अंदर ऐसे होना चाहिए था. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज इंट्रा मतलब अंदर. लेकिन क्या ये इंट्रा पेरिटोनियल ऐसा होता है, ओरिएंटेशन नहीं होता है, ऐसा ओरिएंटेशन बिल्कुल भी नहीं होता है. हमारी बॉडी में ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जो प्योरली पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रखा हुआ है. ठीक है, तो फिर हम जब भी वर्ड यूज में ले रहे हैं इंट्रा एंड रिट्रो पेरिटोनियल, दीज आर यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गन्स टू द पेरिटोनियल कवरिंग. ठीक है, यानी हम रिलेशनशिप के बेस पे इंट्रा एंड रिट्रो पेरिटोनियल वर्ड यूज ले रहे हैं. ठीक है, दूसरी चीज यह है कि जब आप पेरिटोनियल कैविटी देखते हो तो जो ऑर्गन्स हैं दे आर एक्चुअली हैंग, ये इस तरह से लटके हुए हैं. ठीक है, सो ये इस तरह से पेरिटोनियल फोल्ड्स के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी में सस्पेंडेड होते हैं. ठीक है, ऐसा फ्रीली नहीं है, इट इज नॉट लाइक कि इस पेरिटोनियल कैविटी में एक ऑर्गन है जो इस तरह से फ्री पड़ा हुआ है. इट इज नेवर प्रेजेंट, इट इज नॉट ए सिनेरियो, एंड इसीलिए मैंने आपको कहा कि कोई भी ऑर्गन एक्चुअल में पेरिटोनियल कैविटी में नहीं होता. ठीक है, लेकिन फिर भी हम वर्ड यूज में ले रहे हैं इंट्रा पेरिटोनियल. ठीक है, मतलब क्या हुआ, एन ऑर्गन इज सेड टू बी इंट्रा पेरिटोनियल व्हेन इट इज ऑलमोस्ट टोटली कवर्ड विद द विसरल पेरिटोनियम एंड अपीयर्स टू बी सराउंडेड बाय पेरिटोनियल कैविटी. यानी अगर कोई ऑर्गन ऑलमोस्ट यानी 100% तो वो पेरिटोनियम से कवर नहीं हो सकता, एनी ऑर्गन कैन नॉट बी कवर्ड बाय एनी काइंड ऑफ विसरल पेरिटोनियम 100%. ठीक है, तो फिर हम इंट्रा पेरिटोनियल किसको बोलेंगे, इंट्रा पेरिटोनियल वो हुआ जो कि चारों ओर से पेरिटोनियल कैविटी से घिरा हुआ है, ऑलमोस्ट इट इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल अराउंड बाय द पेरिटोनियल कैविटी एक्सेप्ट दिस पॉइंट, एंड जहां पे ये जो कनेक्शन है पेरिटोनियल फोल्ड का वो इसको इस कैविटी के अंदर हैंग कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है. ठीक है,
रिट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या हुआ? द ऑर्गन विच आर पार्शियली कवर्ड बाय द विसरल पेरिटोनियम एंड लाइज बिहाइंड इट. ठीक है, यानी वो ऑर्गन जो कि सिर्फ एक साइड से पार्शियली कवर्ड है, ठीक है, और पोस्टीरियर वॉल से चिपका हुआ है और उसका एक पार्ट ही पेरिटोनियम से कवर है. ठीक है, दैट विल सी इन द कमिंग स्लाइड. सो यहां पे सबसे पहली चीज, जब भी आप इंट्रापेरिटोनियल एंड रिट्रोपेरिटोनियल वर्ड्स पढ़ रहे हैं, आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि किसी भी ऑर्गन को आप इस तरह से ओरिएंटेशन में नहीं देखेंगे कि पेरिटोनियल कैविटी है और उसके अंदर कोई ऑर्गन रखा हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता है. ठीक है, ऑर्गन दो ही तरीके से आपको पेरिटोनियल कैविटी के रिलेशन में मिलेंगे. पहला कि वो पोस्टीरियरली इस तरह से सस्पेंडेड है, या दूसरा उसका एक सरफेस पेरिटोनियल पेरिटोनियम से कवर है. ठीक है, नाउ हेयर यू कैन सी कि ये आपकी पेरिटोनियम है. ठीक है, और ये पेरिटोनियम से इस तरह से एक ट्यूब बनी और इस ट्यूब के अंदर ये आपकी इंटेस्टाइन है. ठीक है, तो ये जो पार्ट है जो इंटेस्टाइन का आउटर लेयर बना रहा है, ये क्या कहलाया? सीरोजा और विसरल पेरिटोनियम. एंड ये जो आप देख रहे हो सस्पेंडेड एरिया है, ये सस्पेंडेड एरिया इज योर पेरिटोनियल फोल्ड विच इज बायलेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द मीजेंट्री इन केस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. और सबसे बड़ी बात यहां पे ध्यान रखने वाली है कि अभी भी आप देख सकते हो कि इस इंटेस्टाइन का ये वाला पोर्शन जो है वो बेयर एरिया है. बेयर एरिया है मतलब यहां पे पेरिटोनियम कवर नहीं हो पाई है. अगर सपोज ये क्लोज हो जाता, ये क्लोज हो जाता, देन इट इज बिकम ट्रू इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन. ठीक है, ट्रू इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन मतलब ये 100% पेरिटोनियम से कवर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है. दैट्स व्हाई इन रिलेटिव टर्म, इन रिलेटिव टर्म वी आर यूजिंग दिस वर्ड कि इसका चूंकि मोर देन 90% सरफेस किससे कवर है? पेरिटोनियम से कवर है, और यहां पे चारों तरफ पेरिटोनियल कैविटी है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन. ठीक है, देन व्हेन यू विल सी दिस सेक्शन ऑफ द एब्डोमेन, यहां पे भी आप देख रहे हो कि सपोज ये स्टमक है, इस स्टमक का ये जो लार्ज व्यू आप बनाओगे तो इस स्टमक के आगे और इस स्टमक के पीछे दोनों साइड आपकी पेरिटोनियम होती है इस तरह से. ठीक है, जो आपको यहां दिख रही है ये इसकी आगे की लेयर है, ये इसकी पीछे की लेयर है. ठीक है, अब ये जो स्टमक है इसके चारों ओर भी पेरिटोनियल कैविटी है, इसके यहां भी पेरिटोनियल कैविटी का पार्ट है, इसके यहां भी पेरिटोनियल कैविटी है, लेकिन इसकी अपर बॉर्डर यानी इसका ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर दोनों पे पेरिटोनियम ऐसे कंप्लीट कवर नहीं बना रही है. यानी ये ऑर्गन भी इंट्रा पेरिटोनियल तो है, बट अगेन इट इज इन ए रिलेटिव टर्म बिकॉज इट इज ऑल अराउंड सराउंडेड बाय पेरिटोनियल कैविटी. ठीक है, बट इफ यू सी हेयर नाउ इन द पेल्विस यू कैन सी दैट दिस पेरिटोनियम इज कवरिंग ओनली द एंटीरियर सरफेस ऑफ दिस पार्ट इज द रेक्टम. दैट्स व्हाई रेक्टम इज रिट्रोपेरिटोनियल. ठीक है, सो कोई भी ऑर्गन जिसके सिर्फ एक सरफेस पे पेरिटोनियम है वो क्या कहलाया? रिट्रो. और जिन ऑर्गन्स के ऑलमोस्ट चारों तरफ पेरिटोनियल कैविटी है वो क्या कहलाया? इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन. इसीलिए ये इंटेस्टाइनल लूप्स, ये इंटेस्टाइनल लूप्स जो कि सस्पेंडेड है, ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन. ठीक है, सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन? ये बहुत बार वायवा में पूछा जाता है कि नेम द इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन. नाउ दैट टाइम यू शुड हैव दिस लिस्ट इन योर माइंड. व्हाट आर दैट? स्टमक, फर्स्ट 2 सेंटीमीटर्स ऑफ ड्यूडेनम. बिकॉज जब आप ड्यूडेनम देखते हो तो ड्यूडेनम के हम चार पार्ट पढ़ते हैं इस तरह से. ठीक है, इस ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट का जो 2 सेंटीमीटर्स एरिया होता है, ये वाला एरिया एक्चुअली कवर्ड होता है पेरिटोनियम से ऑल अराउंड. बाकी सारा एरिया ये रिट्रोपेरिटोनियल हो जाता है, यानी पेरिटोनियम के पीछे चला जाता है. सिर्फ ये 2 सेंटीमीटर वाला जो हिस्सा है इसके अंदर हमें मीजेंट्री देखने को मिलती है, और यू कैन से इट इज सस्पेंडेड बाय द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम. दैट्स व्हाई द प्रॉक्सिमल पार्ट इज इंट्रा पेरिटोनियल. देन जेजुनम एंड इलियम, देन सीकम, अपेंडिक्स, ट्रांसवर्स कोलोन, सिग्मोइड कोलोन. देखो
यहां पे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप कोलोन को जब लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ रहे हो तो लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है सीकम से, ठीक है। आप देखते हो सीकम, फिर यू विल हैव द असेंडिंग कोलोन, यू विल हैव ट्रांसवर्स कोलोन, यू विल हैव डिसेंडिंग कोलोन, यू हैव सिग्मॉइड कोलोन एंड देन यू विल हैव रेक्टम। नाउ ये जो पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें ये वाला जो पार्ट है ट्रांसवर्स कोलोन, ये वाला जो पार्ट है सिग्मॉइड कोलोन और ये वाला जो पार्ट है सीकम, ये तीनों क्या होते हैं इंट्रा पेरिटोनियल। सो सीकम, ट्रांसवर्स कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन एंड बट ऑब्वियसली अपेंडिक्स, इट इज ऑल्सो हैविंग इट्स ओन मीजेंट्री, दैट इज नोन एज मीजो अपेंडिक्स। देन वी हैव द सम ऑर्गन्स विच आर नोन एज इंट्रा पेरिटोनियल। देखो ये तो पार्ट हो गए गट के, दे आर पार्ट ऑफ गट ट्यूब जो हॉलो ऑर्गन्स है, ठीक है, या ये वो ऑर्गन्स हैं जो सॉलिड ऑर्गन्स हैं लाइक लीवर, देन यू विल हैव स्प्लीन, टेल ऑफ पैंक्रियास, ठीक है, एंड लीवर के साथ एक और छोटा हॉलो ऑर्गन दैट इज गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब यहां पे बात ये है कि अभी अभी मैंने जो समझाया कि लीवर के बाहर जो आपको विसरल पेरिटोनियम मिलेगी वो क्या बनाएगी, कैप्सूल का एक हिस्सा बनाएगी, स्प्लीन के बाहर जो मिलेगी वो किसका हिस्सा बनाएगी, कैप्सूल का हिस्सा बनाएगी, लेकिन इनके बाहर जो आपको पेरिटोनियम मिलेगी वो क्या कहलाएगी, इन सब के बाहर दैट इज नोन एज सीरोसा, क्लियर। सो ये चीज आपको यहां पे समझ में आ जानी चाहिए एंड यू हैव टू कीप दिस लिस्ट इन माइंड व्हेन एवर यू आर रीडिंग द इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स, ठीक है। नाउ वी हैव वन मोर टर्म इज नोन एज रिट्रो पेरिटोनियल स्पेस। देखिए इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है बिकॉज इसी टर्म के बेस पे हम रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन्स ये वाला टर्म यूज में लेने वाले, ठीक है। तो ये स्पेस हमें मिलेगा कहां, दिस स्पेस लाइज बिटवीन द पेरिटोनियम एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। मतलब क्या हुआ कि सपोज करो दिस इज योर एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है और इसके अंदर व्हेन यू विल सी द इनर लाइनिंग, दिस इनर लाइनिंग इज फॉर्म बाय द पेरिटोनियल लेयर, क्लियर। अब ये जो पेरिटोनियल लेयर है, इस पेरिटोनियल लेयर और इस बॉडी वॉल के बीच में ये जो स्पेस पीछे की तरफ बना ये स्पेस क्या कहलाया, रिट्रो पेरिटोनियल स्पेस, ठीक है। अब वर्टिकली जब आप इसका एक्सटेंशन देखोगे तो ये कहां से कहां तक है, ऊपर हमारे पास डायफ्राम, नीचे पेल्विक फ्लोर है, सो डायफ्राम की इंफीरियर सरफेस से होता हुआ ये रिट्रो पेरिटोनियल स्पेस कहां जा रहा है, पेल्विक फ्लोर में जा रहा है। सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम डायफ्राम टू द पेल्विक फ्लोर, ठीक है। अब ये जो स्पेस है इस स्पेस में पीछे आपके क्या होता है, नाउ दिस इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ रिट्रो पेरिटोनियल स्पेस। तो रिट्रो पेरिटोनियल स्पेस में हमें मिलती है एड्रिनल ग्लैंड्स, हमें मिलती है किडनीज, हमें मिलती है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलोन एंड ड्यूडेनम। कौन सा ड्यूडेनम, एक्सेप्ट फर्स्ट टू सेंटीमीटर, एक्सेप्ट फर्स्ट टू सेंटीमीटर। तो अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं कि ये अगर पेरिटोनियम है तो इस पेरिटोनियम और बॉडी वॉल के बीच में जो रिट्रो पेरिटोनियल स्पेस है इसमें क्या क्या होता है, इसमें होती है कुछ ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द फैट, कौन से ऑर्गन्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, किडनीज, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलोन एंड योर ड्यूडिनम एक्सेप्ट फर्स्ट टू सेंटीमीटर। इसके अलावा इस स्पेस में अगर इंफेक्शन हो गया, सपोज इस स्पेस में यहां किडनी है और किडनी के अंदर एप्सिस बना तो ये एप्सिस इज पोस्टीरियरली कलेक्ट हो जाएगा एंड दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज रिट्रो पेरिटोनियल एप्सिस, ठीक है। साथ ही इस स्पेस में यू हैव द ट्यूब्स, वो कौन कौन सी ट्यूब्स हैं, यू हैव द नर्व्स, सो व्हाट दे आर, दीज आर यूरेटर, रीनल वेसल्स, गोनेडल वेसल्स, इंफीरियर वेना केवा एंड aorta। यानी जब हम रिट्रो पेरिटोनियल स्पेस की बात कर रहे हैं हम बात कहां कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के आगे की। अगर आप पीछे से आगे आ रहे हो तो सबसे पहले हमारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के आगे एक फैटी लेयर है और उसके आगे हमारा पेराइटल पेरिटोनियम है। वो पेराइटल पेरिटोनियम और पोस्टीरियर वॉल के बीच की जो जगह है उसको हमने नाम दिया रिट्रो पेरिटोनियल स्पेस। और इस रिट्रो पेरिटोनियल स्पेस में हमें मिलता क्या क्या है, हमें मिलती है किडनीज, हमें मिलती है एड्रिनल ग्लैंड, हमें मिलती है ड्यूडिनम एक्सेप्ट फर्स्ट टू सेंटीमीटर। बट अपार्ट फ्रॉम दीज ऑर्गन्स हमें मिडलाइन में क्या मिलता है, aorta,
हमें उसके बगल में राइट साइड में क्या मिलता है, इंफीरियर वेना केवा। आओर्टा से जो ब्रांचेस निकलती हैं लाइक गोनेडल वेसल्स, लाइक योर वेसल्स विच आर गोइंग इनटू द किडनीज, दैट इज रीनल वेसल्स, प्लस यू विल हैव द ट्यूब्स ऑफ योर किडनीज मींस यूरेटर। तो किडनी अपने आप में कहां है, बिहाइंडली रिट्रोपेरिटोनियल प्लेस में है। तो बिकॉज द किडनीज आर रिट्रोपेरिटोनियल, तो बट ऑब्वियसली यूरेटर भी क्या हो गया, रिट्रोपेरिटोनियल। रीनल वेसल्स भी क्या है, रिट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। एंड यू हैव दिस स्पेस कॉन्टाजियस विद प्री पेरिटोनियल स्पेस। सो प्री पेरिटोनियल कहां होगा, आगे, और ये क्या कहलाया, रिट्रोपेरिटोनियल। है एक ही स्पेस, क्लियर, लेकिन इसका नाम अलग अलग हो गया। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस। ठीक है, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है, एंड दैट इज नोन एज जायगोसिस। नाउ व्हाट इज जायगोसिस, जायगोसिस इज ए प्रोसेस जिस प्रोसेस से जो ऑर्गन पहले इंट्रापेरिटोनियल थे वो रिट्रोपेरिटोनियल में कन्वर्ट हो गए। सो इट इज ए प्रोसेस बाय विच सम ऑफ द प्राइमरीली इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स बिकम रिट्रोपेरिटोनियल, दे बिकम रिट्रोपेरिटोनियल, एंड दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज सेकेंडरी रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। जाइगोसिस होता कैसे है, ये कहना यह चाह रहा है कि सपोज दिस इज योवर इनिशियल फेज वेयर यू विल हैव द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, और इस फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से एक ऑर्गन सस्पेंडेड है। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, विद द डेवलपमेंट ये जो पार्ट है, ये पार्ट इस पेराइटल पेरिटोनियम के कॉन्टैक्ट में आता है। सो वॉट विल हैपन दैट इन द नेक्स्ट पार्ट, दैट दिस पोर्शन विल गो डाउन। ये जो अभी हमने पेरिटोनियम बनाई, ये जो पेरिटोनियम थी, ये पेरिटोनियम इसको कवर कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, दिस पेरिटोनियम इज गोइंग टूवर्ड्स दिस एरिया, एंड यहां पे आपका एक कनेक्शन क्रिएट हो गया, एडिशन क्रिएट हो गया, और धीरे धीरे ये एडिशन बढ़ता जाता है। और नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, अल्टीमेटली दिस ट्यूब इज ओनली कवर्ड बाय वन साइड एंड द ट्यूब विल कम हेयर। ठीक है, सो ये ट्यूब यहां आ गई। सो ये इनिशियली ये ट्यूब जो ऑलमोस्ट चारों तरफ से पेरिटोनियल कैविटी से घिरी हुई थी, अब सिर्फ एक साइड से पेरिटोनियल कैविटी से घिरी हुई है। ठीक है, सो हमने अभी पढ़ा कि कोई भी ऑर्गन एक्चुअल में इंट्रापेरिटोनियल नहीं है, लेकिन जिन ऑर्गन्स में मेजोरिटी एरियाज पेरिटोनियल कैविटी से सराउंडेड है, उनको हमने इंट्रापेरिटोनियल नाम दिया। लेकिन विद द प्रोसेस ऑफ जाइगोसिस, इस पेरिटोनियल कैविटी का जो चारों ओर रिलेशन था वो चेंज हो गया। नाउ ओनली वन सरफेस इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम एंड इट इज रिलेटेड विद द पेरिटोनियल कैविटी। तो ये ऑर्गन प्राइमरीली क्या था, इंट्रापेरिटोनियल, बट अब क्या हो गया, रिट्रोपेरिटोनियल। सो दैट इज नोन एज जाइगोसिस विच कन्वर्ट द इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन टू द रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। और ये सेकेंडरी क्यों कहलाया, व्हाई दिस इज नोन एज प्राइमरी, सेकेंडरी इसलिए कराया क्योंकि इसका डेवलपमेंट एक्चुअली एज ए इंट्रापेरिटोनियल हुआ था। अगर जाइगोसिस नहीं होती तो दिस ऑर्गन स्टिल रिमेन एज ए इंट्रापेरिटोनियल ओनली। ठीक है, तो अब यहां पे इस डायग्राम में, सेक्शन में, आप इस चीज को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हो कि ये जो आपका ट्यूब है, ये ट्यूब यहां पे कनेक्टेड है। ठीक है, और दिस इज योवर पेरिटोनियम। अगर ये वाला वॉल इससे चिपक जाए तो धीरे धीरे क्या होगा, इस ट्यूब का सिर्फ एक सरफेस पेरिटोनियल कैविटी की तरफ फेस करेगा। ठीक है, और बाकी का एरिया पोस्टीरियर वॉल से चिपक जाएगा। लेकिन ये तो क्या हुआ, प्राइमरीली इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन है जो बाद में रिट्रो में कन्वर्ट हो सकता है अगर जाइगोसिस हुआ तो। लेकिन अगर आप यहां किडनी का डेवलपमेंट देख रहे हैं तो किडनी तो बेसिकली डेवलप ही कहां हुई, रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस में हुई। तो ये बेसिकली प्राइमरीली रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। ठीक है, सो रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स हमने कितने तरह में डिवाइड किए, टू टाइप्स की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। प्राइमरी रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स वो हैं, दोज आर डेवलपिंग इन द रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस फ्रॉम देयर फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे किडनी, किडनी का फॉर्मेशन ही कहां होता है, रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस में होता है। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी वो हैं जिनका डेवलपमेंट तो किसके अंदर हुआ, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम के अंदर हुआ, वो सस्पेंडेड थे इन द पेरिटोनियल कैविटी, बट लेटर ऑन
with the help of zygosis, they convert into the retroperitoneal organ. ठीक है, so यहां पे एक list है जो आपको याद रखनी है, because this is again the question of your viva, what are the primarily retroperitoneal organs and what are the secondarily retroperitoneal organs. So जो शुरू से retroperitoneal organ है वो कौन कौन है, किडनी, यूरेटर एंड सुप्रा रिनल ग्लैंड. और वो कौन से ऑर्गन्स हैं जो पहले इंट्रा पेरिटोनियल थे बट विद द हेल्प ऑफ जाइगोसिस दे बिकम सेकेंडरी रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन. उसमें आपका पूरा ड्यूडिनम आ गया, ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट 2 सेंटीमीटर. यानी इनिशियली पूरा ड्यूडिनम क्या था, इंट्रा पेरिटोनियम, उसके फर्स्ट 2 सेंटीमीटर को छोड़ दो, बाकी रिट्रो में कन्वर्ट हो गया. इसी तरह से असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, कोलोन का अभी हमने देखा सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन एंड रेक्टम. उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रांसवर्स कोलोन और आपका सिग्मोइड कोलोन विद सीकम अपेंडिक्स के चारों ओर आपका पेरिटोनियल कैविटी रह गया, बाकी कोलोन के सिर्फ एक सरफेस पे पेरिटोनियम का रिलेशन बना रहा, इसलिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन में. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव द पैंक्रियाज एंड रेक्टम, ठीक है. So this list is become again important when you will have the question which of the following organ is a secondary retroperitoneal organ. देखिए इस word पे आपको ध्यान देना है, secondary का मतलब ये हुआ कि ये organ पहले क्या थे, intraperitoneal, और बाद में क्या हो गए, retroperitoneal. ठीक है. Now you have one more term when you are reading the peritoneum is peritoneal ligament. देखिए peritoneal ligament कुछ भी नहीं है but it is a फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जिसकी हेल्प से कोई भी ऑर्गन पेरिटोनियल कैविटी में सस्पेंड कर रहा है. ठीक है, देखिए मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि ये जो पेरिटोनियल कैविटी है, इस पेरिटोनियल कैविटी में अगर कोई भी ऑर्गन इंट्रा पेरिटोनियल है तो वो इस तरह से नहीं होता. इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको इसके लिए एक एंकर फोल्ड चाहिए जो इस ऑर्गन को पकड़ के रखेगा. ठीक है, और ऐसा होने की वजह से ये जो आपका कनेक्शन है, जिस कनेक्शन के बेस पे ये ऑर्गन इस पेरिटोनियल कैविटी में लटका हुआ है, हैंग हो रहा है, ये कनेक्शन पेरिटोनियल लिगामेंट कहलाएगा. बट सपोज करो कि ये अगर पेरिटोनियल लिगामेंट नहीं होता, देन दिस ऑर्गन इज बिकम ट्रू इंट्रा पेरिटोनियल. क्यों? बिकॉज नाउ इट इज ऑल अराउंड सराउंडेड बाय व्हाट, पेरिटोनियल कैविटी. लेकिन ऐसा नहीं होता, इट इज नेवर सीन. ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जिसके चारों ओर पेरिटोनियल कैविटी है, एंड इसी वजह से इसका रिलेशन किससे है, विसरल पेरिटोनियम से. और ये जो कनेक्शन है पेराइटल और विसरल पेरिटोनियम के बीच में, ये बायलेयर्ड स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, पेरिटोनियल लिगामेंट. ठीक है, तो जितने भी इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स आप पढ़ोगे, सारे की सारे इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स के रिलेशन में आप एक फोल्ड पढ़ोगे, वो फोल्ड या तो पेरिटोनियल लिगामेंट कहलाएगा या मीजेंट्री कहलाएगा. ठीक है, तो व्हाट इज पेरिटोनियल लिगामेंट, इट इज ए डबल लेयर फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम विच कनेक्ट द ऑर्गन टू ईच अदर. या तो ये ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है या ये ऑर्गन को एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो या तो आप यहां पर कनेक्शन देखोगे दो ऑर्गन्स के बीच में, कि एक ऑर्गन ये है, एक ऑर्गन ये है, और इसका जो ये कनेक्शन है ये भी पेरिटोनियल लिगामेंट कहलाया, ये भी पेरिटोनियल लिगामेंट कहलाया. ठीक है, अब यहां कुछ नाम लिखे हुए हैं, तो आप जब भी पेरिटोनियल लिगामेंट पढ़ते हो उनकी उनकी जब हम देखते हैं स्ट्रक्चर, तो या तो दो ऑर्गन्स के बीच का जो कनेक्शन है उसको दो ऑर्गन्स के नाम पे हम नाम दे देते हैं. सपोज करो अगर ये लीवर है और ये स्टमक है, तो ये कनेक्शन क्या कहलाया, गैस्ट्रो हिपैटिक लिगामेंट, गैस्ट्रो हिपैटिक लिगामेंट. जैसे आप देख रहे हो गैस्ट्रो ड्यूडिनल लिगामेंट, ये किस किस का कनेक्शन है, गैस्ट्रो मतलब स्टमक एंड ड्यूडिनम, गैस्ट्रोकोलिक स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन, गैस्ट्रोस्प्लीनिक, देन यू विल हैव स्प्लीनोरीनल, स्प्लीन एंड लेफ्ट किडनी के बीच में, यू हैव फ्रेनिकोकोलिक, फ्रेनिको मींस डायफ्राम एंड कोलोन के बीच में. इसके अलावा कुछ दो लिगामेंट हैं जो लीवर के आसपास मिलते हैं आपको, दैट इज कोरोनरी लिगामेंट एंड फैल्सिफॉर्म लिगामेंट. ठीक है, तो बेसिकली यहां पे ये जो लिगामेंट्स है ना, ये लिगामेंट वैसे लिगामेंट नहीं है जो हमें बोन के जॉइंट में मिलते हैं. दे आर नॉट दोज टाइप ऑफ टफ स्ट्रक्चर, दे आर वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर विच आर नथिंग बट दे आर डबल लेयर पेरिटोनियल फोल्ड. ठीक है, नाउ इसकी एम्ब्रियोलॉजी क्या है, डेवलप कैसे होते हैं. तो
इसको समझने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो एब्डोमिनल पार्ट ऑफ फोरगट होता है, इट इज सस्पेंडेड बाय द मेसेंट्री बोथ वेंट्रली एंड डॉर्सली। मतलब क्या हुआ कि ये आपका एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बना, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बना, और दोनों वॉल के बीच में ये आपकी गट ट्यूब बन रही है। ठीक है, इस गट ट्यूब के तीन पार्ट होते हैं, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। अब ये जो गट ट्यूब है, इस गट ट्यूब में फोरगट के आगे और फोरगट के पीछे दोनों साइड दो फोल्ड हैं। इसका आगे वाला फोल्ड क्या कहलाया, वेंट्रल, और पीछे वाला कहलाया डॉर्सल मेसेंट्री। ठीक है, सो वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम कहां हो गया, इट इज ए कनेक्शन बिटवीन द वेंट्रल बॉडी वॉल एंड फोरगट। एंड डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम कहां हो गया, कनेक्शन ऑफ द डॉर्सल वॉल ऑफ द गट एंड डॉर्सल बॉडी वॉल। क्लियर, सो ये हो गया डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम, ये हो गया वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम। अब इस वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम में बाद में क्या होता है, यहां पे डेवलप हो जाता है लीवर। क्या डेवलप हो जाता है, लीवर, और इसमें डेवलप हो जाती है स्प्लीन। इसमें क्या डेवलप हुई, स्प्लीन, और इस वेंट्रल में डेवलप हुआ लीवर। क्लियर, सो यहां पे नाम फिर हमें आगे देने, ठीक है। सो वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम डिवाइड बाय द डेवलपिंग लीवर इनटू द वेंट्रल एंड डॉर्सल पार्ट। तो इसके भी दो पार्ट हो गए, ये वेंट्रल और ये डॉर्सल। ठीक है, अब इस वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम से क्या क्या बनता है, इस वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम से बनते हैं लीवर और एंटीरियर वॉल के कनेक्शन। लीवर और एंटीरियर वॉल के बीच में यहां जो कनेक्शन है, दे आर नोन एज फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ट्राइंगुलर लिगामेंट एंड कोरोनरी लिगामेंट। ठीक है, तो ये कनेक्शन तो क्या है, लीवर और वॉल के बीच के कनेक्शन है, और लीवर और स्टमक के बीच में जो यहां कनेक्शन बना, दैट इज नोन एज लेसर ओमेंटम, दैट इज नोन एज लेसर ओमेंटम। ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, व्हेन वी विल सी द लीवर, व्हेन वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ योर कैविटीज, सैक एंड लेसर सैक एंड ग्रेटर सैक। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले जो इस स्लाइड में आपको बात समझनी है कि पेरिटोनियल फोल्ड क्या चीज हुई, तो पेरिटोनियल फोल्ड डबल लेयर स्ट्रक्चर है, और पेरिटोनियल फोल्ड हम उन्हीं ऑर्गन्स में बात करेंगे जो कि क्या है, इंट्रा पेरिटोनियल है। ठीक है, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखनी है कि कोई भी ऑर्गन इंट्रा पेरिटोनियल प्योरली नहीं होता, वो एक्चुअली इन फोल्ड्स की वजह से पेरिटोनियल कैविटी में सस्पेंडेड रहता है। ठीक है, और उसको सस्पेंड रखने के लिए कहीं ना कहीं उस ऑर्गन का कनेक्शन या तो दूसरे ऑर्गन से चिपका हुआ होगा या फिर वो बॉडी वॉल से होगा। ठीक है, तो यहां पे आपने लीवर देखा, लीवर का एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ जो सस्पेंशन है, जो कनेक्शन है, वो क्या बना रहा है, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, कोरोनरी लिगामेंट, ट्रायंगुलर लिगामेंट। और लीवर का जो इस डेवलपिंग फोरगट, या यू कैन से ये वाला पार्ट जो स्टमक बनाएगा, उसके साथ जो कनेक्शन है वो कहलाया लेसर ओमेंटम। ये जो पीछे वाला पार्ट है डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम, जिसमें स्प्लीन डेवलप हो रही है, ये वाला पार्ट एडल्ट्स के अंदर क्या बनाता है, व्हाट आर द डेरिवेटिव्स, इट फॉर्म द ग्रेटर ओमेंटम, इट फॉर्म द गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, स्प्लीनोरीनल, लीनोरीनल इज अनदर नेम फॉर द स्प्लीनोरीनल कनेक्शन, एंड गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। ठीक है, यहां पे रिट्रोपेरिटोनियली क्या डेवलप हो रही है, किडनी, तो ये कनेक्शन क्या हो गया, स्प्लीनोरीनल और लीनोरीनल, ये स्टमक और ये स्प्लीन, तो ये क्या हो गया, गैस्ट्रोस्प्लीनिक। ठीक है, यहां डायफ्राम, सो दिस इज नोन एज फ्रेनिको स्प्लीनिक और स्प्लीनोफ्रेनिक। ठीक है, सो यू विल सी दैट व्हेन यू विल लर्न दीज फेट ऑफ द डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम, दे आर ऑन द पोस्टीरियर साइड। व्हेन यू विल लर्न दीज फेट ऑफ वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम, दे आर ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ दिस डेवलपिंग फोरगट। ठीक है, नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन वेरी वेल अप्रिशिएट कि ये आपकी गट ट्यूब है। नाउ इन दिस सेक्शन यू कैन सी दैट यहां पे ये वेंट्रल मेसेंट्री है और ये डॉर्सल मेसेंट्री है। डॉर्सल मेसेंट्री जो होती है वो फुल लेंथ में होती है। डॉर्सल मेसेंट्री इस ट्यूब की फुल लेंथ में है, चाहे वो फोरगट हो, मिडगट हो, हाइंडगट हो, सब में आपको यहां पीछे क्या मिल रही है, डॉर्सल मेसेंट्री। लेकिन वेंट्रल मेसेंट्री सिर्फ और सिर्फ फोरगट का कनेक्शन है। वेंट्रल मेसेंट्री सिर्फ फोरगट का कनेक्शन है, मिडगट और हाइंडगट में आगे वेंट्रल मेसेंट्री नहीं होती है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, बिकॉज ये आपसे कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वाइवा दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, नाउ ये क्या है, नाउ दिस इज समथिंग इज नोन एज अरेंजमेंट ऑफ इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन। देखिए ये इंटेस्टाइन लूप है, ये जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन। और ये इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन कैसे है, बिकॉज अगेन मैंने अभी बताया
कि एनी ऑर्गन विच इज सराउंडेड बाय पेरिटोनियल कैविटी. तो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर अगर ये ऑर्गन है, ठीक है, तो ये ऐसा फ्री तो होता ही नहीं है. फ्री नहीं होता तो फिर कैसे होएगा? इसके ऊपर पेरिटोनियल कैविटी होगी और ये पेरिटोनियम से ऐसे सस्पेंड कर रहा है, ठीक है. तो इसके चारों ओर अब क्या आ गई? पेरिटोनियल कैविटी आ गई. तो ये जो फोल्ड है, ये फोल्ड यहां पे आपको दिख रहा है, दिस फोल्ड इज नोन एज मीजेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. बट यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो यू कैन अप्रिशिएट दैट इट इज अगेन मेड अप ऑफ टू लेयर्स. इट इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स. एक लेयर ये है और इसके कट सेक्शन पे दूसरी लेयर ये दिख रही है, ठीक है. सो यहां पे ये चीज फिर से मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जब भी हम किसी भी इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन की बात कर रहे हैं, हमारे पास एक वर्ड हमेशा आएगा, या तो पेरिटोनियल लिगामेंट या मीजेंट्री. अगर ये दोनों चीजें हैं, डेफिनेटली दैट ऑर्गन इज हैविंग इंट्रा पेरिटोनियल रिलेशन, ठीक है. और उसके चारों ओर आपको पेरिटोनियल कैविटी देखने को मिलेगी, ठीक है. और पेरिटोनियल लिगामेंट या मीजेंट्री अगर है तो वो कैसा है? डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है. और ये पेरिटोनियल लिगामेंट ही उस ऑर्गन को इंट्रा पेरिटोनियल बनाते हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस पेरिटोनियल लिगामेंट ये इस पेरिटोनियल कैविटी में सस्पेंड कर रहा है, ठीक है. तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है. और ये देखिए आप यहां पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज है कि जब यहां दो फोल्ड बन रहे हैं तो इन दो फोल्ड के थ्रू क्या हो रहा है? इन दो फोल्ड के बीच में जो हल्का सा गैप बना, इस गैप के थ्रू ब्लड वेसल्स अंदर जाती हैं, इस गैप के थ्रू वेन्स बाहर आती हैं, इस गैप के थ्रू नर्व सप्लाई अंदर जाती है. ऐसा नहीं है कि यहां से पंक्चर करके या यहां से पंक्चर करके कोई ब्लड सप्लाई अंदर जा रही है. नेवर. इट ऑलवेज पास थ्रू दीज पेरिटोनियल कनेक्शंस, ठीक है. सो वो आप यहां देख रहे हैं कि ये अंदर की तरफ आपको इसमें ब्लड वेसल्स मिल रहे हैं, ठीक है. दूसरी चीज कि जो हमने शुरू में देखा कि ये जो बॉर्डर बच गई, ये जो बॉर्डर बच गई, जो उस बॉर्डर पे आप यहां स्प्लिटिंग देख रहे हो दोनों लेयर की, ये बेयर एरिया कहलाया. बेयर एरिया मतलब जहां पे पेरिटोनियम कवरिंग नहीं आई, ठीक है. अगर 100% कवरिंग हो जाती, अगर ये दोनों लेयर चिपक जाती और 100% कवरिंग हो जाती, तो इट बिकम ट्रू इंट्रा पेरिटोनियल, जो होता ही नहीं है. क्लियर? नाउ दिस सेक्शन इज अगेन शोइंग द सेम थिंग वेयर यू कैन सी दैट ये ऑर्गन इस तरह से सस्पेंडेड है. दे आर एक्चुअली हैंगिंग इन द पेरिटोनियल कैविटी एंड दे ऑल अराउंड सराउंडेड बाय द पेरिटोनियल कैविटी. दैट्स वाई दे आर नोन एज इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है. बट यहां पर यह आप aorta देख रहे हो. दिस aorta इज प्रेजेंट बिटवीन द पोस्टीरियर वॉल एंड दिस पेरिटोनियल लेयर एंड दैट्स वाई इट इज रिट्रो पेरिटोनियल. इट इज रिट्रो पेरिटोनियल. सो midgut and hindgut have only a dorsal mesentery, which I already told you, and this dorsal mesentery will form the mesentery of jejunum ileum, mesentery of appendix, mesentery of transverse colon and mesentery of sigmoid colon. ठीक है. Now what are the functions of your peritoneum? This is again very important question. It is very commonly asked question in your viva कि what are the functions. देखिए पहला function क्या है कि इट इज हेल्पफुल इन द मूवमेंट ऑफ विसरा. आपके विसराज एब्डोमिनल कैविटी में मूव कर पाते हैं बिकॉज दे आर एक्चुअली हैविंग द कवरिंग ऑफ विसरल पेरिटोनियम, ठीक है. और इनके मूवमेंट कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल यू विल हैव द पेरिस्टाल्सिस, यू विल हैव द मूवमेंट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, देर इज ए पीरियोडिक डिस्टेंशन, ठीक है. सो दिस मूवमेंट्स आर पॉसिबल. सेकेंड इज द प्रोटेक्शन ऑफ विसरा अगेंस्ट इन्फेक्शन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है पेरिटोनियम. देखिए पेरिटोनियम जो होती है इसमें बहुत हैवी माइक्रोवेस्कुलेचर नेटवर्क होता है. इसमें बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, लिम्फैटिक्स होते हैं, माइक्रोवेस्कुलेचर का नेटवर्क होता है. उस वजह से क्या होता है कि देर आर लिम्फोसाइट्स विच आर प्रेजेंट इन द पेरिटोनियल फ्लूइड एंड दैट विल प्रोवाइड सेल्यूलर एज वेल एज ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है. कैसे? कि जो पेरिटोनियल मैक्रोफेजेस होते हैं, पेरिटोनियल मैक्रोफेजेस का क्या काम है कि दे विल रिलीज द मीडिएटर्स. क्या रिलीज करते हैं? मीडिएटर्स. ये मीडिएटर्स क्या करते हैं? दे विल प्रमोट माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इनटू द पेरिटोनियल कैविटी. ये जो मीडिएटर्स हैं इन्होंने किसको स्टिमुलेट किया? डब्ल्यूबीसी को. डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स कहां आ गए? पेरिटोनियल कैविटी में आ गए, ठीक है. दूसरी चीज क्या है कि पेरिटोनियल मास्ट सेल्स, कौन सी सेल्स? मास्ट सेल्स. ये रिलीज करती हैं हिस्टामिन.
इस हिस्टामिन का क्या इफेक्ट होता है कि ये वास्ोडाइलिटेशन करता है, इट कॉजेज वास्ोडाइलिटेशन, एंड साथ में क्या होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम में एक स्पेशल वेराइटी ऑफ सब्सटेंस होते हैं, दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्स. क्या वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स. सो बिकॉज ऑफ द मास सेल इट रिलीज द हिस्टामिन, हिस्टामिन कॉजेज वास्ोडाइलिटेशन एंड रिलीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिंस. मास सेल की इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है कि पेरिटोनियल फ्लूड के अंदर कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं और क्या आ रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिंस आ रहे हैं. कॉम्प्लीमेंट्स क्या है? दे आर स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंस विच आर वेरी हेल्पफुल टू मेंटेन द इम्यूनिटी. ये जो कॉम्प्लीमेंट्स आए, ये कॉम्प्लीमेंट्स न्यूट्रोफिल्स को स्टिमुलेट करते हैं. किसके लिए? फैगोसाइटोसिस. किसके लिए? फैगोसाइटोसिस. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट हाउ द पेरिटोनियल कैविटी इज हेल्पफुल टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन. दूसरी चीज यहां पे लिखी हुई है, पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमन. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कि जो आपकी पेरिटोनियल कैविटी होती है, उस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो ऑर्गन्स चारों तरफ से प्रोट्यूड हो रहे हैं या जो ऑर्गन्स उसके अंदर हैं, दोज आर एक्चुअली इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स. उन ऑर्गन्स से में अगर कहीं भी पंक्चर हो गया या कहीं भी गैंग्रीन हो गया और वहां से अगर कैविटी में फ्लूइड लीक होने लगता है, तो पेरिटोनियम की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये उसके ऊपर जाके पैच की तरह काम करता है. जैसे हम पंक्चर देखते हैं ट्यूब के अंदर, तो अगर वहां पे पंक्चर है तो हम एक पैच लगा देते हैं. इन द सेम वे, इफ देयर इज ए पंक्चर इन द इंटेस्टाइन, दिस पेरिटोनियम ऑटोमेटिकली विल गो एंड सील दैट एरिया एंड एक्ट एज ए पैच. सो इट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन. उससे होगा क्या? इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता एंड कॉन्टामिनेशन नहीं होता. सो इट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इंट्रापेरिटोनियल कॉन्टामिनेशन. ओमेंटम डेंसली एडरेंट एंड सील द साइट ऑफ गैंग्रीन और परफोरेशन. ठीक है, देन वॉट नेक्स्ट फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन. नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट पेरिटोनियम एक्ट एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अक्रॉस विच द फ्लूइड एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ द वेरियस सॉल्यूट्स कैन पास. ठीक है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सो इसके थ्रू आपका डिफ्यूजन हो सकता है. द मीजोथीलियम, देखिए यहां पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी हम डिफ्यूजन कराना चाहते हैं, हम कौन सी एपिथीलियम की बात करते हैं? सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम की. जैसे कि हम अगर लंग एल्वियोलाई की बात कर रहे हैं, तो लंग एल्वियोलाई की लाइनिंग एपिथीलियम क्या है? सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम. तो जब भी हम कोई भी डिफ्यूजन कराते हैं, हमें हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम की. तो यहां पे इसीलिए हम मीजोथीलियम की बात करते हैं. ये मीजोथीलियम प्रमोट करती है रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड इनटू द कैपिलरी एंड लिम्फेटिक्स. ठीक है, इसके अलावा यहां पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इन द अपर एब्डोमन एंड सबफ्रेनिक एरिया द एब्जॉर्प्शन पावर इज वेरी हाई. यहां डायफ्राम के नीचे वाले पार्ट में एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से होता है. उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आपका जो रेस्पिरेशन है, जो डायफ्राम के मूवमेंट की वजह से हो रहा है, वो मेंटेन करता है सर्कुलेशन ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड को. दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो डायफ्राम है, उस डायफ्राम के नीचे की जो कवरिंग है, पेरिटोनियल कवरिंग, उसमें बहुत छोटे छोटे फोरामेंस, माइक्रो स्कोपिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, दे आर नोन एज स्टोमेटा. ये जो स्टोमेटा होते हैं, दे आर माइन्यूट इंटरसेलुलर पोर्स विच कम्युनिकेट विद द लिम्फेटिक्स ऑफ द डायफ्राम. सो इससे क्या होता है? इसकी वजह से बहुत फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, देन द पेरिटोनियल कैविटी यूज्ड एज ए पेरिटोनियल डायलिसिस. पेरिटोनियल डायलिसिस हम उन पेशेंट्स में करते हैं जिनकी किडनीज काम नहीं कर रही हैं. सो वी वांट टू टेक आउट द यूरिया फ्रॉम द ब्लड एंड अदर मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस. सो हम करेंगे क्या? हम एक आर्टिफिशियल फ्लूइड लेंगे, दैट इज नोन एज पेरिटोनियल फ्लूइड. उसको एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, पर्टिकुलरली हम बात करें पेरिटोनियल कैविटी की, उसके अंदर डाल देते हैं एंड द डिफ्यूजन प्रोसेस विल टेक प्लेस एंड आफ्टर सम टाइम उस पेरिटोनियल फ्लूइड को फिर ड्रेन कर देते हैं. ठीक है, देन हीलिंग पावर. मीजोथीलियल सेल्स कैन ट्रांसपोर्ट इन द फाइब्रोब्लास्ट विच प्रमोट द हीलिंग. इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ एडेशन. एडेशन क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन. देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है. जैसे सपोज करो कि यू विल हैव दिस योर इंटेस्टाइन. इस इंटेस्टाइन में अगर इंफेक्शन हुआ, ठीक है, ये इसकी मीजेंट्री है. ठीक है, अगर यहां पे सपोज पंक्चर हुआ, तो इस पे आके दूसरी जगह से आपका ओमेंटम चिपक जाएगा.
ठीक है, एंड इट विल ट्राई टू सील दिस पंक्चर, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाया, ये कहलाया एडेशन, ठीक है। यानी जब आप अगर उस पेशेंट की सर्जरी करना चाहते हैं तो यू हैव टू फर्स्ट ब्रेक दीज एडेशन विच इज नोन एज एडेशियोलाइसिस, ठीक है। यानी जिस पेशेंट के अंदर जितने ज्यादा अटैक ऑफ इंफेक्शन आए हैं, जिस पेशेंट के अंदर जितने ज्यादा इंफ्लामेटरी एपिसोड्स आ चुके हैं, उस पेशेंट के अंदर जब हम एब्डोमिनल सर्जरीज करते हैं तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि हमको सर्जरी में प्रॉब्लम आए बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ द एडेशंस विच वी विल फाइंड, क्लियर। देन इट इज अ वेरी बिग स्टोरेज ऑफ फैट एंड एट द लास्ट इट प्रोवाइड पैसेज फॉर द नर्व वेसल्स विच आई टोल्ड यू थ्रू द पेरिटोनियल लिगामेंट, क्लियर। सो इन दिस लेक्चर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज दैट पेरिटोनियम के क्या फीचर्स हैं, विसरल पेरिटोनियम क्या होती है, पेराइटल पेरिटोनियम क्या होती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज हाउ टू आइडेंटिफाई द इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन, रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन एंड फंक्शन ऑफ पेरिटोनियम। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।